to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. सभी गरम मसाला डाल करके और प्याज मैंने 3 मीडियम साइज के काटे थे और उन सबको भून देना है। और यहाँ पे मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है क्योंकि ये छोला मतलब बना रही हूँ पनीर छोला। और ये देखिए अदरक और लहसुन कूट करके मैं डालती हूँ क्योंकि इसका स्वाद अलग आता है यार। और बस वही हल्दी मिर्च पाउडर डालना है और अच्छे से पहले प्याज को बहुत मतलब एकदम जब भून जाए तब जा करके टमाटर डालना है। तो टमाटर डालने के बाद मैं इसमें मसाला कुछ नहीं, बस वही छोला मसाला जो होता है बादशाह का छोला मसाला डाली हूँ। और बस और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाला लास्ट में, थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब मिक्स ही था, मैंने कटोरी में उकर के रखा था उसी में से मैंने डाल दिया। और फिर बस छोले को डाल करके और अच्छे से भूनना है, चलाना है नमक वमक डाल करके। और फिर पनीर को डाल देना है, जो मैंने पनीर फ्राई किया था उसको मैंने डाला है और अच्छे से 1 मिनट तक चलाना है। और फिर बस पानी अपने अकॉर्डिंग डाल करके, जितना आपको थिकनेस चाहिए ग्रेवी उतना अपना पानी अकॉर्डिंग डालिए और बस इसको 1 सीटी लगा दीजिए, बस हो गया। क्योंकि मैंने इसको पहले ही बॉईल कर लिया था ना चना को, काबली चना को। और बस ये रेडी है। और ये मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, थोड़ा सा फ्राइड राइस बनाया था मटर वाला, और ये रोटी बनाया था और दही है, बस हस्बैंड को दिया मैंने सर्व किया क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे कि My heart's beating fast when it's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that it moves and the way that it laughs, so I can't get enough. Think about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. Was she? खेलने कहाँ? ग्राउंड में, फील्ड में, फील्ड में जा रही हो, पार्क में। और ये प्लांट्स हैं जिनको मैं अभी बाहर से अंदर ले आई हूँ क्योंकि आज धूप निकली थी, बहुत अच्छी धूप निकली थी। मतलब 11:30 बजे के करीब धूप निकला, लेकिन अच्छी धूप निकली थी तो मैंने सोचा कि चलो यार इनको थोड़ा बाहर रख दूं क्योंकि इनको भी धूप चाहिए ना, जैसे हमें भोजन चाहिए होता है वैसे इनको धूप चाहिए होता है। तो मैंने थोड़ा धूप में रख दिया था, अब इनको अरेंज करूंगी, सब जगह पकड़ाऊंगी इनको। हेलो फ्रेंड्स, ब्लूम विद ग्रेस लाइफ में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे आप सब, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी शाम का टाइम है तो मुझे अभी सारा काम मतलब हो ही गया है, बत्ती वगैरह मैंने दिखा लिया है, बट अभी मुझे कपड़े को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं कपड़े वगैरह जो है उनको फोल्ड कर लूँ। और कुछ कपड़े हैं जो मतलब अभी उतने मतलब सूख गए हैं लेकिन हल्के हल्के अभी मतलब गीले हैं, तो उनको अभी मैंने चेयर पर रख दिया है, कहाँ रखूँ यार। तो ये कपड़े हैं, ये कपड़े हैं यार, इनको अभी मुझे फोल्ड करना है। तो चलिए इनको फोल्ड कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो चलिए मैंने कपड़ों को फोल्ड कर लिया और अभी भी पानी आई है तो आरओ भी ऑन कर दी हूँ, पानी उसमें भर रहे हैं। और यार शाम के भी बहुत सारे वर्क हो जाते हैं यार, क्या करें। तो चलिए अब मैं वॉकिंग करने जा रही हूँ क्योंकि अभी देखिए लेट हो रहा है, मेरा 5:30 हो गया है और मैं अभी मेरा सब कुछ हो गया तो बस अब वॉकिंग करने जा रही हूँ क्योंकि मैं आधा घंटा या 1.5 घंटा करूँ बट मैं वॉकिंग जरूर करती हूँ थोड़ी बहुत। सुबह में तो बहुत कमी, अभी तो सर्दी है तो सुबह में तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, नहीं तो गर्मियों में तो कभी कभी सुबह में भी चली जाती थी जब से मतलब लॉकडाउन हुआ था, और शाम को भी चली जाती थी, बट अभी सर्दी के कारण सुबह में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या हो गया? सबसे डराने लग गया था मेरे को, देख तेरी बहन तो कुत्ते से डर जा रही है, ये क्या बनेगी, क्या बनेगी, कौन है वो, बता उसका नाम, बता उस बच्चे का। तू जहां में मैं खेलता हूँ आया मत कर वहां पे तू। अच्छा ये दोनों का इसी तरह फाइट चलता है, ये देखिए मतलब तू मैं में होता रहता है। ओफ गॉड, सच्ची में जहां मैं खेलता हूँ वहीं पे आ जाती है। तो क्या होगा, ये नहीं खेलेगी? एक बात बता, जब हम पार्क में खेले तब तक तुम लोग देखते हो, तुम लोग पार्क में हो, जब ग्राउंड में, एक मिनट रुक जा, जब मैं ग्राउंड में खेल रहा था तुम लोग ग्राउंड में आ गए वहां पे खेलने करे, उसके बाद जब मैं पार्क में गया तो पार्क में आ गए तुम लोग।
ओ मुंह से धुआं निकल रहा है चल। तो फाइनली मैं घूम घूम करके आ गई और क्या बोलते हैं हस्बैंड का तो आज पार्टी है तो वो अपना पार्टी खाने के लिए दो खाने के लिए देखा शाम को खेल कराते ना तो इन लोगों को खाने के लिए चाहिए पूरे दिन किचन में भागते रहो तो वो तो भाई बाहर खाना खाएंगे हस्बैंड उनकी पार्टी है तो पार्टी में गए हुए हैं बट हम लोगों के लिए तो भाई जो पागल खाने में जाओ भोजन बनानी पड़ेगी मुझे लीड करना अच्छा कर देता ये जो इनोसेंट बच्चा है ना ये जितना इनोसेंट दिखता है ये उतना इनोसेंट है नहीं नो 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 ये इतना इरिटेट करता है हम दोनों माँ बेटी को मतलब ये वो वाला इनोसेंट है जो कहते हैं ना कि इनोसेंट किस चिड़िया का नाम है ये वो वाला मैं इरिटेट नहीं करता दीदी मुझे इरिटेट करता अच्छा अच्छा और पता है ये बिन पेंदी का लोटा है जहाँ पलड़ा भारी देखता है ना यस 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 जहाँ पलड़ा भारी देखता है बस ये उधरी को लुढ़क जाता है अब पता है दोनों मतलब दोनों बाप बेटा एकदम सेम है बिन पेंदी का लोटा है सब ये इतना ज्यादा गुस्सा दिलाता है ऐसे करता हुर 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 ये क्या होता है भाई हुर हुर करता है इतना इरिटेट करता है खुले हम बेचना इतना ज्यादा इरिटेटिंग है ना खुशी को भी इरिटेट करता है हम लोगों को बोलता नहीं आप लोग हो खुशी दीदी मुझे मतलब इरिटेट करती है आप दोनों माँ बेटी एक हो जाते हो और मुझे मेरे जैसे मुझ बिचारे पे अत्याचार करने लगते हो ऐसे बोलता है यार बता जब डॉगी जब पीछे पड़ा था तो मैं कैसी लग रही थी भागते हुए ऐसा लग रहा था खैर मुझे चढ़ा ही नहीं गया मुझे पता क्या लग रहा था गधी के पीछे वो गधा बैठा है गधी के पीछे वो धोबी नहीं होता वो पड़ा हुआ डंडा लेके गधा गधे के पीछे वो जो पड़ा अर्ज किया है बोलिए आगे बोलिए अर्ज किया है बंदर के मुंह में कभी भी अंगूर नहीं देना चाहिए नहीं तो पूरा खा जाता है दूर से देखा तो बंदर था पता नहीं क्या था आके देखी तो खुशी भी दी बंदर के भी उसमें ये तो खुद ही बंदर के भी देखिए आज मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाने जा रही हूँ लाइव टेलीकास्ट ठीक है देखिए ये मेरा भाई है इसका शक्ल देखिए कैसा लग रहा है इसका शक्ल एकदम बंदर जैसा टू कॉपी मंकी पता एक बार शायद मुझे क्लास में किसी लड़की ने मुझे मंकी बोला था मम्मी बोल दिया कौन बोला था रे शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश ओके बोलती यू आर मंकी बेबी बेबी मंकी यू आर बेबी मंकी हाँ तो बंदर तो मैंने बोला यू आर बेबी डंकी
तू बोल नहीं सकती कुछ झूठ बोल रही है। बोला था मैंने। कुछ नहीं बोला वैसे बोला कह दिया हट ऐसे मैं नहीं हूँ तू ऐसे कहती है कभी किसी को जवाब नहीं दे सकती क्यों मुंह नहीं भगवान दिया मेरे को दिया तो है बस सिर्फ दूसरे का खाना छीन के खाने गए तेजी तो भाई देखिए इस टाइप की घर में मेरी बेइज्जती होती है आप लोगों के भी घर में होती है जो बहन है जो भाई होते हैं क्या करते हैं बहनों की किसी टाइप की बेइज्जती करते हैं कोई बात नहीं चलो बहुत हो गया लव मैं वीडियो पॉइंट कर लूं नहीं 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 अभी नहीं जा 50 रुपए ठीक है ये उधर लग जाएगा गिर जाएगा पूरा भाई भी परेशान यहाँ पे बहुत ठंड है क्या वहाँ पर भी है नहीं हर जगह ठंड नहीं नहीं हर जगह ठंड पड़ती है कुछ कुछ इलाकों में ठंड वहाँ क्या होता है अब गुजरात वगैरह टाइप इधर और गुजरात नहीं साउथ साउथ ना गर्मी ना ठंड तो बाकी तो पूरे ऑल इंडिया में होता ही है। अच्छा आप में से जो फ्रेंड्स मुंबई में क्या वहाँ पे ठंड है ना गर्मी है ठंडी तो चलिए बातें बहुत हो गई बहुत हंसी मजाक हुआ और फिर और ज्यादा बढ़ता जाएगा तो जानते ही हैं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो चलिए इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की एंडिंग मैं करूंगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय। पूछना पड़ेगा आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं तो मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय।